हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय, आप देख रहे हो ज्ञानरूप। तो बीटेक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2025 के बारे में, कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या कुछ यहाँ पे फॉर्म फी लगने वाला है, साथ साथ बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि शारदा यूनिवर्सिटी का ये इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है, इसके थ्रू यहाँ पे बीटेक में एडमिशन दिए जाते हैं। बट एक बात आप ध्यान रखना कि शारदा यूनिवर्सिटी में कई और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे बीटेक में एडमिशन दिया जाता है, बट ये जो टेस्ट रहने वाला है शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जाता है। तो बिना ही टाइम वेस्ट के सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके क्लास 10th में 60% मिनिमम मार्क्स होने ही होने चाहिए। क्लास 12th की बात करूं तो 70% एग्रीगेट मार्क्स होने ही होने चाहिए आपके क्लास 12th में। वहीं पे मिनिमम 60% मार्क्स जो है ना आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के बनना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के बनना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 50% मार्क्स आपके मैथ में भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। वहीं पर बात करें अपीयरिंग कैंडिडेट का, यानी कि अगर आपका क्लास 2025 में क्लियर हो रहा है ना, तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपको एज अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूं तो कोई एज की यहाँ पे बाध्यता नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो। अब बात करते हैं 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या कुछ लगता है। तो सभी कैटेगरी की बात करो तो 1500 रुपये लगता है मेल में, और फीमेल को यहाँ पे 1000 रुपये का फॉर्म फी देना पड़ेगा, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हो। और इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप UPI का इस्तेमाल करते हुए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो अगर बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 3rd week of January 2025 से आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 4th week of June 2025 का रहने वाला है, यानी कि आपके पास एक लंबा टाइम होगा इसको फिल करने के लिए। स्लॉट बुकिंग की बात करूं तो 1st week of January 2025 से इसका स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, और एडमिट कार्ड जो है आप June 2025 से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर बात करें 2025 एंट्रेंस एग्जाम का, तो वो June 2025 में ही कंडक्ट करा जाएगा, और इसका जो रिजल्ट है ना वो जून के लास्ट वीक या जुलाई के 1st week में आपको मिल जाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस जो है शारदा यूनिवर्सिटी में वो जुलाई 2025 में स्टार्ट हो जाएगा। बट एक बात आपको ध्यान रखना कि ये सब के सब टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी रियल डेट नहीं आए। जैसे रियल डेट आएगा वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको जो है मिल जाएगा। बट आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो। हाँ, अगर ये PDF आपको चाहिए ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो ज्ञानरूप के नाम से, आप चाहे तो टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है वहां से भी जा सकते हो, वहां पे मैं अपलोड करता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे।